हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल्प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वेल्प्रेप एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ तैयारियाँ बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। सो आज के वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस एसआई एएसआई की जो भर्ती है, जिसकी अभी लिखित परीक्षा हाल ही में हुई है। ठीक है, तो आज का वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो सारे के सारे डाउट, सारे के सारे कन्फ्यूजन, अब आगे क्या होने वाला है उसको लेकर सारा डाउट आपका दूर हो जाएगा, सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो बात करेंगे, अब लिखित परीक्षा आप लोगों ने दे दी है, अब क्या होने वाला है आगे। तो सबसे पहले तो आप लोग चेक करेंगे अपनी आंसर कीज, ठीक है, जो कि कल से लाइव होने जा रही है वेबसाइट पर। बिल्कुल ठीक है, 17 दिसंबर 2021 को प्रातः 9 बजे जो है आप लोगों को जो है आंसर की देखने के लिए मिल जाएगी, और 23 दिसंबर 2021 रात्रि 9 बजे तक जो है वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगी। यानी कि 23 दिसंबर तक आप लोग, कल से लेकर 23 दिसंबर तक आप लोग देख पाएंगे अपनी आंसर शीट ऑन दी वेबसाइट। ठीक है, और 23 दिसंबर तक ही आप लोग जो है ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि इसका आंसर गलत दिया हुआ है और आप जो है अपने साक्ष्य के साथ उसको जो है अपनी आपत्ति उसमें दर्ज करा सकते हैं कि इसका सही उत्तर ये होना चाहिए, जिस भी क्वेश्चन में आपको लग रहा हो कि दिक्कत है। ठीक है, तो लॉगिन करेंगे आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से या अपने एप्लीकेशन नंबर से और डेट ऑफ बर्थ से, उसे आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद जो है आप लोग जो भी आपत्तियां हैं वो दर्ज करा सकते हैं 17 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 2021 तक। क्लियर हो गया, ये था रिटर्न से रिलेटेड प्रोसीजर। इसके बाद क्या होगा, आपका रिटर्न का रिजल्ट आ जाएगा और एक लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, एक लिस्ट आ जाएगी वेबसाइट पर, जिसमें कि एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट होगी जो कि एलिजिबल है फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, यानी कि अभिलेखों की समीक्षा और जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा बेसिकली, उसके लिए जो है एक लिस्ट आ जाएगी। शारीरिक जो एक मानक परीक्षा होगी, ठीक है, ओनली स्टैंडर्ड्स हैं उसमें, दक्षता नहीं देखी जा रही है, खाली स्टैंडर्ड देखे जाएंगे। यानी कि हाइट हो गया आपका और जो है चेस्ट मेजरमेंट वगैरह हो गया। अब वो क्या क्या होता है इसमें, ये पहले मैं आप लोगों को एक जो है इसका एक फिगर के थ्रू समझा देता हूँ कि क्या आप लोगों के साथ होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस एग्जाम में पिछली भर्ती में जो है अपियर हुआ हूँ, हालांकि मैंने ज्वाइन नहीं किया था। तो क्या होगा, आपको जब आपका कॉल लेटर आएगा डीवी और पीएसटी के लिए, तो आप लोगों को सेंटर पर बुलाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो भी वहाँ पर टेबल्स लगे होंगे, जहाँ पर आपको जो टेबल अलॉट किया जाएगा वहाँ पर जाकर आप लोग बैठेंगे, और आप लोग के जो है डॉक्यूमेंट फिर वेरीफाई किए जाएंगे। वो नाम से या रोल नंबर से आप लोगों को कॉल करेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। ठीक है, जो आपने मेंशन किए हैं अपनी एप्लीकेशन में, उनके पास एक फाइल होगी, वो उसमें से देखेंगे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने मेंशन किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं या नहीं, वो चेक करेंगे। तो ऐसी 2-3 टेबल जितनी भी होंगी वहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दी अरेंजमेंट, जो भी अरेंजमेंट होगा वहाँ पर, वैसे आप लोग बैठे रहेंगे वहाँ पर। और जब आप यहाँ से इस फेज से निकलेंगे डीवी कराकर, फिर आपका पीएसटी होगा एक जगह पर, जहाँ पर आपकी हाइट वगैरह मेजर की जाएगी। ठीक है, हाइट और चेस्ट मेजरमेंट वगैरह किया जाएगा। तो प्रोसीजर क्या है वो आप लोगों को पता है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। पुरुषों के लिए जो है सामान्य अन्य पिछले वर्ग और अनुसूचित जाति के जो पुरुष हैं उनके लिए 163 और जो जनजाति वाले हैं उनके लिए 156 है हाइट, ये मैं हाइट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और सीना, अगर सीने के मेजरमेंट की अगर बात करें तो 77 है, फुलाने पर 82 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 5 सेंटीमीटर का जो एक्सपेंशन है, 5 सेंटीमीटर का जो फुलाव है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना आप बाहर हैं, यानी कि वो होना ही होना चाहिए, 77 82। ठीक है, और जो जनजाति वाले हैं, ये 77 82 बाकियों के लिए है, खाली जो जनजाति वाले बसते हैं उनके लिए 75 80, 2 सेंटीमीटर का यहाँ पर रिलैक्सेशन जनजाति वालों के लिए दिया गया है। ठीक है, और वहां पर हाइट में रिलैक्सेशन दिया गया है 7 सेंटीमीटर का। तो ये है पुरुषों के लिए, ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं पुरुषों के लिए। और महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए जो है जो जनजाति वाली महिलाएं हैं 145 सेंटीमीटर चल जाएगा उनकी हाइट, और बाकियों के लिए 150 सेंटीमीटर, और वजन होना चाहिए 40 किलोग्राम न्यूनतम, न्यूनतम जो है वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए। तो डीवी के बाद ये सारी चीज़ें आप लोगों की चेक की जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आप अपनी जो ये फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट हुआ है इससे संतुष्ट नहीं है आप लोग, तो उसी दिन, ठीक है, उसी दिन आप लोग जो है आपत्ति दाखिल कर सकते हैं, तो फिर से आपका जो है दोबारा से ऑर्गेनाइज करा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप पूर्णतः सेटिस्फाइड हो कि हाँ जी मेरा जो ये पीएसटी हुआ है ये सही नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो जो कमेटी वहां पर होगी वो डिसाइड करेगी कि अब क्या करना है। ठीक है, चलिए,
तो फिर इसके बाद जब इस दौर से आप लोग गुजर जाएंगे, फिर आती है बात टाइपिंग की, ठीक है। तो टाइपिंग जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, आप लोगों को पता है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एक आइडिया तो लगा ही लिया होगा कि मेरा पेपर कैसा गया। आप लोग टाइपिंग कर रहे होंगे जबरदस्त तरीके से, ठीक है, क्योंकि जबरदस्त तरीके से टाइपिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन टाइपिंग में जो है मात खा जाते हैं, ठीक है। तो टाइपिंग बहुत जो है अच्छी एक तैयारी मांगता है यहाँ पर, ठीक है। तो टाइपिंग में बेसिकली अगर बात कर लो तो UPSI कॉन्फिडेंशियल की अगर बात करूँ तो मैं सारी चीज़ आप लोगों को समझा देता हूँ एक बार। जो लोग नोटिफिकेशन देखें बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि यार क्या होने वाला है, ठीक है। तो हिंदी एक बार फिर से बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, जो है इंस्क्रिप्ट में यूनिकोड में, यानी कि मंगल जो फॉन्ट होता है, मंगल फॉन्ट इंस्क्रिप्ट यूनिकोड पर, इस पर आप लोगों की टाइपिंग ली जाएगी, ठीक है। हिंदी के 25 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, 25 वर्ड पर मिनट की गति जो है चाहिए यहाँ पर। पिछली बार क्या हुआ था, 400 वर्ड का एक पैरा दे दिया गया था और 15 मिनट का टाइम था, ठीक है, और 85% एक्यूरेसी मांगी गई थी। हालांकि इस बार अभी टाइपिंग से रिलेटेड कोई ऐसा जो है जारी नहीं हुआ है एक्यूरेसी कितने मांगेंगे, लेकिन 99.9% 85% ही एक्यूरेसी मांगी जाएगी, जैसे कि पिछले एग्जाम्स में होता हुआ आया है। तो हिंदी के लिए ये रहने वाला है टाइपिंग का, ऐसा ही कॉन्फिडेंशियल की बात कर रहा हूँ, गोपनीय वालों की, ठीक है। तो पिछली बार क्या हुआ था, 15 मिनट का टाइम था, 400 वर्ड का पैरा दिया गया था। और इंग्लिश में अगर इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में आपका जो है 500 वर्ड्स दिए गए थे, 15 मिनट का टाइम था और गति मांगी गई थी 30 वर्ड पर मिनट की, और एक्यूरेसी 85%, यानी 85% एक्यूरेसी आ गई तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर एक्यूरेसी डाउन हुई तो आप जो है फेल हो जाएंगे टाइपिंग टेस्ट के अंदर, ठीक है। कोई मार्क्स अलॉट नहीं होते हैं इसके लिए, सीधा क्वालिफाइंग डिसक्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्लियर हो गया? तो ये था हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का। हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। करना ही करना है, ऑप्शनल नहीं है कि हिंदी या इंग्लिश कर लेंगे, ये दोनों करना है, ठीक है। अगर ये दोनों क्वालिफाई करते हैं और कॉन्फिडेंशियल के आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो आप लोगों के लिए फिर कॉन्फिडेंशियल में जो शॉर्ट हैंड मांगा गया है, ठीक है, जो डिक्टेशन मांगा गया है, उसका टेस्ट होगा माइट मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट डे, ठीक है। नेक्स्ट डे फिर इन लोगों को कॉल किया जाएगा जो कॉन्फिडेंशियल के लिए अप्लाई किए हैं, और हिंदी इंग्लिश दोनों जो है टाइपिंग जो है दे रखा है उन्होंने, ठीक है। तो नेक्स्ट डे वो लोग फिर जो है बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपका फिर डिक्टेशन होगा। तो इसमें क्या होता है, जो भी लोग SI कॉन्फिडेंशियल का पेपर दिए हैं उन लोगों को बुलाया जाता है, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग वालों को, क्लियर। फिर क्या होगा, आपका यहाँ पर जो है 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है डिक्टेशन के लिए, जो आप लिखेंगे कोडिंग करेंगे, ठीक है। 5 मिनट का टाइम दिया गया था पिछली बार, और इस तरीके से 400 वर्ड्स हो जाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम वर्ड्स हो जाते हैं 400। और एक नोटिफिकेशन जो है वेबसाइट पर आया था इसके रिगार्डिंग भी, कि 15% अगर एरर है तो आप क्वालिफाइड हैं, लेकिन 15 से ज़्यादा एरर अगर आप करते हैं डिक्टेशन लिखने में तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं वहां पर। क्लियर हो गया? फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और फिर इसी को आपको जो है हिंदी में टाइप करना होता है कंप्यूटर पर, ठीक है। उसके लिए अच्छा खासा टाइम मिलता है, 40 मिनट के आसपास मिलेगा, आपने अपनी कोडिंग को आप उसमें फिर कंप्यूटर में जो है टाइप करेंगे। अच्छा, एक डाउट और आ रहा होगा कि अब कैसे पता चलेगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग क्वालिफाई कर गए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है। तो आप तो जज कर ही लेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर जो है सॉफ्टवेयर अगर ऐसा बना होगा कि तुरंत आपको जो है रिजल्ट बता दे रहा है, तो अब एक डाउट आए तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है, कि क्या रहने वाला है ऐसे कॉन्फिडेंशियल के लिए। और एक डाउट और आ रहा है, चलिए पहले मैं बाकियों का भी बता देता हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट इसका रख सकते हैं। तो जो ASI क्लेरिकल वाली वैकेंसी है ना, लिपिक वाली, लिपिक लिपिक में खाली आप इसमें से जो है ये वाला पोर्शन हटा दीजिए, डिक्टेशन वाला, शॉर्ट हैंड वाला, बाकी सेम चीज यही रहेगी। हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, और एक्यूरेसी 85%, जैसे कि लास्ट टाइम था, ठीक है। और अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं, अकाउंट्स वालों के लिए सबसे सुनहरा मौका है, अकाउंट्स वालों के लिए खाली हिंदी टाइपिंग मांगी जाती है 15 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से, और इनको खाली 300 वर्ड्स का एक पैरा दिया जाता है हिंदी टाइपिंग का, ओनली हिंदी टाइपिंग। अब एक डाउट आएगा कि अगर मुझे शॉर्ट हैंड नहीं आती है तो क्या मैं शॉर्ट हैंड दूं या नहीं दूं? बिल्कुल मत दीजिए, नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अदर
जो पोस्ट है उसकी क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करेंगे, हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग अगर आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपको मिनिस्ट्रियल मिलेगा। खाली हिंदी के 15 वर्ड्स पर मिनट करते हैं तो आपका अकाउंट्स मिलेगा। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। टाइपिंग नहीं आती तो आप नहीं दे सकते, सॉरी, अगर आपको शॉर्ट हैंड डिक्टेशन नहीं आता है तो रहने दीजिए। अब मैं आपको अपना एग्जाम्पल दिखाता हूँ, मैंने जो पिछली बार अप्लाई किया हुआ था। पहले नंबर पर मैंने एस आई कॉन्फिडेंशियल को रखा था, दूसरे पर मैंने जो है ASI अकाउंट्स को रखा था, और तीसरे पर ASI मिनिस्ट्रियल को रखा था। ठीक है, तो मैंने जो है हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग दी, इंग्लिश हिंदी दोनों टाइपिंग दी। तो उसके बाद मैंने जो है शॉर्ट हैंड नहीं दिया। शॉर्ट हैंड के लिए मुझे अगले दिन बुलाया गया था, क्योंकि मैंने जो अप्लाई किया हुआ था उसके लिए, तो मैंने नहीं दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे आता नहीं है तो मैं जाऊँ क्यों। ठीक है, लेकिन मेरी प्रायोरिटीज के हिसाब से जो मैंने फील करा था, मेरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मुझे ASI अकाउंट्स मिलना चाहिए था, बट पता नहीं क्या हुआ कि मुझे ASI मिनिस्ट्रियल अलॉट हो गया था। ठीक है, तो ASI मिनिस्ट्रियल के लिए मुझे शॉर्टलिस्ट किया गया था, हालांकि मैंने फिर ज्वाइन नहीं किया, वो एक अलग बात है। तो ये था, मेरा कहने का मतलब यही है कि टेंशन बिल्कुल ना लें। अगर ASI कॉन्फिडेंशियल के लिए अगर आप एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं तो बाकियों के लिए 100% हो जाएंगे, अगर सही से आप लोग टाइपिंग करके आते हैं, क्वालिफाई करते हैं उसको। क्लियर हो गया? तो अब ये सारे स्टेप्स आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे इस भर्ती प्रक्रिया में। और कोई डाउट होगा प्लीज कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। और यही कहूंगा फिर से, नहीं आती अगर शॉर्ट हैंड कोई बात नहीं, अब 4 दिन के अंदर कोई मिरेकल नहीं कर लेंगे आप लोग, या 15-20 दिन भी आप लोगों को मिल जाते हैं तो कुछ नहीं होने वाला। 1 महीना भी मिल जाता तो भी कुछ नहीं हो सकता। अगर आती है तो अपने आपको निखारी है, नहीं आती है तो अब लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब खाली हिंदी इंग्लिश टाइपिंग पे फोकस करिए, शॉर्ट हैंड को छोड़ दीजिए, डिक्टेशन को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये प्रक्रिया से आप लोग गुजरने वाले हैं। और कोई डाउट होगा प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और एक चीज और, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के बीच में 10 मिनट का टाइम आप लोगों को मिलेगा रिलैक्स करने के लिए। यानी कि अगर मान लीजिए इंग्लिश की टाइपिंग स्टार्ट हुई तो 10 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, फिर उसके बाद हिंदी टाइपिंग स्टार्ट होगी। क्लियर हो गया? तो और जो आपका शॉर्ट हैंड डिक्टेशन है उसके लिए नेक्स्ट डे मोस्ट प्रोबेबली बुलाया जाएगा, क्योंकि सेम डे जो है ये सारे अरेंजमेंट्स नहीं हो पाते, तो फिर अगले दिन आप लोग उसके लिए बुलाया जाएगा। जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप। और बाकियों के लिए आप एलिजिबल रहेंगे फिर, अगर आपने अप्लाई किया है तो। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस ही नहीं डाल लिया आपने, फिर कैसे एलिजिबल होंगे? फिर आप ये नहीं कह सकते कि यार मुझे नहीं बुलाया गया बाकियों के लिए। ठीक है, तो प्रेफरेंस में होने चाहिए वो पोस्ट, भले ही किसी भी नंबर पर हो। सो गाइज, बाय बाय, टेक केयर। कोई डाउट हो प्लीज कॉमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं।